दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5, इफ डिफरेंसेस ऑफ देयर क्यूब इज 61, फाइंड द नंबर। ठीक है, कोई नंबर है वो 4:5 के रेशियो में है और उसके क्यूब का डिफरेंसेस 61 है, नंबर बताना है क्या है। फिर से वही काम करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को मान लेंगे एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 4x, और दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस देखेंगे, 5x बड़ा है तो पहले 5x को लिखते हैं, 5x³ - 4x³, यही क्वेश्चन कर रहा था कि उसके क्यूब का डिफरेंस जो है वो 61 है, और ये बन गया आंसर, बन गया, तो ये हो गया 25x³, 5 × 5 × 5 25, x × x × x³ माइनस 4 × 4 × 4, ये 125 हो गया, सॉरी यहाँ पर 5 × 5 × 5 25 और 5 125 हो गया, और ये इक्वल टू हो गया 64x³। उसी तरह 4 × 4 × 4 = 64, x × x × x³ इक्वल टू यहाँ पर 61। अब इसको माइनस कर लेंगे, 125 में 64 माइनस कर लिए, 161x³, 61x³ इक्वल टू हो गया 61, तो x³ इक्वल टू हो गया 61/61, तो x³ इक्वल टू हो गया 1, x इक्वल टू हो गया 2√1। ठीक है, x इक्वल टू हो गया 1, 1 का 1 ही होता है, तो अब आपका नंबर हो गया क्या, नंबर हम क्या माने थे यहाँ पर, नंबर हम क्या माने थे, एक्स, 4x और x, नंबर माने थे 4x और x, तो पहला नंबर हो गया 4 × 1 = 4, और दूसरा नंबर क्या माने थे, 5x, तो 5 × 1 = 5, 5x = 5 × 1, 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।